भगवान क्यों नहीं दिखते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल ही आंसर है। भगवान क्यों नहीं दिखते? दिखते हैं, ये प्रश्न ही गलत है। भगवान क्यों नहीं दिखते, ये सवाल ही गलत है। कैसे गलत है? मैं इस सवाल को गलत भी सिद्ध कर दूंगा और सही भी सिद्ध कर दूंगा, दोनों हो सकता है, हम दोनों सिद्ध करते हैं। चलो पहली बार ये सवाल ही गलत है, पहले से सिद्ध करते हैं। सवाल क्या है? प्रश्न पूछो एक बार मेरे से, पूछो अब आप लोग। भगवान क्यों नहीं दिखते, ये बताओ कि भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप है विराट। आकाश भगवान का मस्तक है, सिर है, पाताल तलवे हैं, नदियां नाड़ियां हैं, पहाड़ हड्डियां हैं, समुद्र पेट है, पहाड़ जंघाएं हैं, तो पर्वत जंघाएं हैं। अब बताओ, अर्जुन को जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया तो ये पेड़ पौधे ये सब भगवान के रोम हैं। पेड़ पौधे जैसे हमारे रोमा नहीं होता, ये रोम, ऐसे ये पेड़ पौधे क्या है? भगवान के रोम। अरे भाई, भगवान नहीं दिखते, ये प्रश्न गलत है। ये पूरी सृष्टि में जो तुम्हें दिख रहा है वो भगवान ही है, ईश्वर को ही आप देख रहे हो, उससे अतिरिक्त तो कुछ होए तो आप बताओ। चलो, आप में से कितने लोगों के घर में घड़ा है? घड़ा घड़ा घड़ा, गर्मी आ गई ना, मटका नहीं है तुम्हारे घर में? मैया, घड़ा नहीं है। चलो अच्छा ये बताओ, घड़ा है? अच्छा बोलो, घड़ा है? घड़ा है कि माटी है? क्या है आपके घर में, माटी है कि घड़ा है? है वो माटी, पर बोला क्या जा रहा है? अरे भाई साहब, घड़े में माटी के सिवा कुछ हो तो बताओ, घड़े में घड़े जैसा क्या है? माटी ही तो है, लेकिन उसे व्यवहार में बोला क्या गया? जोर से क्या बोला गया? घड़ा है क्या? कुम्हार से कोई ये नहीं कहता, भाई कुम्हार साहब जरा माटी देना, नहीं, क्या देना? घड़ा, जबकि है वो माटी। जैसे है तो माटी, दिख रही है माटी, पर बोल क्या रहे हैं? घड़ा है माटी, पर दिख रहा है घड़ा। उसी तरह जैसे घड़े में माटी के सिवा कुछ है ही नहीं, उसी तरह इस सृष्टि में भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, व्यवहार में बोला जाता है संसार। जबकि संसार क्या है? जो आप देख रहे हैं वो सब भगवान है। आपकी नजर जहां जाए सब ईश्वर है, सीय राम मैं सब जग जानी। तो जो लोग कहते हैं ना भगवान नहीं दिख, भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, दुर्योधन को कृष्ण दिखे क्या? उत्तर, दुर्योधन को कृष्ण दिखे क्या? उत्तर, दिखे क्या? हां, कई बार दिखे, परंतु उस दुर्योधन ने उन कृष्ण को पहचाना नहीं, कहता रहा ये तो गालिया है, ये तो नंद का छोरा है। जबकि उसी कृष्ण को अर्जुन ने पहचान लिया। तो आप कहते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? अरे दिखे तो थे दुर्योधन को, कहां पहचान पाया? दिखे तो थे रावण को, कहां पहचान पाया? ऐसे हमें और आपको माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, अतिथि के रूप में, जीव मात्र के रूप में दिख तो रहे हैं, कहां पहचान पा रहे हैं आप लोग और हम लोग? तो ये सवाल ही गलत है कि ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं? भाई साहब है भी और दिखते भी हैं। अब तुम ना पहचानो, तुम्हारी आंख में अज्ञान का मोतिया बिंद हुआ तो हम क्या करें? तो ये प्रश्न गलत है। बात सही समझ में आई? भगवान क्यों नहीं दिखते, ये प्रश्न सही है या गलत है? उत्तर, प्रश्न क्या है? प्रश्न ही गलत है।
भाई देखे तो माँ कौन होती है, जोर से माँ कौन होती है, जोर से पिता कौन, जोर से भगवान। तो माता पिता दिखते हैं कि नहीं? हाँ, तो क्यों कह रहे हो भगवान नहीं दिखते, दिख तो रहे हैं माता पिता। प्रश्न गलत है, ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं? तुमने अपनी माता को भगवान क्यों नहीं माना? तुमने अपने पिता को भगवान क्यों नहीं माना? तुमने अपने पति को भगवान क्यों नहीं माना? तुमने अपने गुरु को भगवान क्यों नहीं माना? तुमने अतिथि को भगवान क्यों नहीं माना? तुमने सब में ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं किया? कहा तो था गोस्वामी जी ने, सर्वम खलविदम ब्रह्मा सी राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करे विरोध। है तो सब कुछ, ईश्वर हैं तो दिखते क्यों नहीं, दिख तो रहे। एक बात समझ लो, आप जो देख रहे हैं सब भगवान ही है, मानो मत मानो। अच्छा ये बताओ, अब इसको सही सिद्ध कर दे। अब देखो इस प्रश्न को, अभी हमने गलत सिद्ध कर दिया, आप सही सिद्ध कर रहे हैं। ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, ये प्रश्न जायज है। ईश्वर है तो क्यों नहीं दिखते? आओ हम बताते हैं क्यों नहीं दिखते। बताओ आपके हाथ में बैक्टीरिया है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं। तो क्या नहीं है? हैं। कैसे देखेंगे? एक मशीन आती है मेरी माँ, डॉक्टरों के पास वैज्ञानिकों के पास होती है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र बोलते हैं, माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं उसे। एक मशीन होती है, माइक्रोस्कोप बोलते हैं उसे, उससे बैक्टीरिया दिख जाते हैं, जो बारीक से बारीक, जो आंखों की पकड़ में नहीं आते, वो मशीन की पकड़ में। तो जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए आपकी इन आंखों से बैक्टीरिया तो दिख नहीं रहे हैं, बिना मशीन के, बिना यंत्र के, तो बिना मंत्र के तुम्हें भगवान कैसे इन आंखों से दिख जाएंगे? ईश्वर देखने के लिए आपकी क्षमता भी तो हो। बैक्टीरिया देखने की तो क्षमता है नहीं तुम्हारी, तुम्हारी इन आंखों में बैक्टीरिया देखने की तो दम है नहीं, तो भगवान को देख लोगे? जैसे बिना यंत्र के बैक्टीरिया नजर नहीं आता, उसी तरह बिना गुरु मंत्र के परमात्मा नजर नहीं आता। इसलिए मंत्र होता है, क्या होता है? इसलिए मीराबाई ने मंत्र जपा तो कृष्ण का दर्शन हुआ। क्या बोली मीरा? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने। हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल, हाँ मिल गए मीरा को, क्योंकि मीरा को क्या मिल गया? मंत्र मिल गया। यंत्र से बैक्टीरिया दिखता है, तो मंत्र से परमात्मा दिखता है। इसलिए हमारे यहां मंत्र होता है। अब तुम्हारी मंत्रों में श्रद्धा नहीं रही, जप नहीं रहा, तो तुम चिल्ला रहे हो कि भगवान दिख क्यों नहीं रहे? भाई दिख तो रहे हैं, साधु संतों को तो दिख रहे हैं, भक्तों को तो दिख रहे हैं। फर्क कितना है कि हमें जो दिखता है वो हम आपको दिखा नहीं सकते। अच्छा ये बताओ, आप में से किसी को दर्द होता है सिर में, पांव में, पेट में, पीठ में, कंधे में? कभी दर्द हुआ? किस किस को दर्द हुआ है? मैया, दर्द हुआ है मेरी माँ? बोलो हाँ। ओ भैया चला लो मोबाइल, लाला दर्द हुआ है? क्यों आपको दर्द हुआ? कहाँ? घुटनों में दर्द? हाँ। क्या दर्द दिखाया? क्या आपने अपना दर्द देखा? अच्छा आप सबको दर्द हुआ? बोलो हाँ। तो फिर एक काम करो, सारे लोग मुझे अपना अपना दर्द दिखाओ, तब मानूंगा मैं कि दर्द हुआ है, वरना मानूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या आप लोग अपना दर्द दिखा सकते हो? नहीं। अच्छा नहीं दिखा सकते ना, तो क्या दर्द नहीं था? दर्द था, दर्द होता है, पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता।
उसी तरह कृष्ण कण कण में है, लेकिन उस दर्द को महसूस किया जा सकता है, दर्द दिखाया नहीं जा सकता। कृष्ण को महसूस किया जा सकता है, कृष्ण को दिखाया नहीं जा सकता। कृष्ण भी दर्द है, इसलिए मीरा बोलती है, दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिले नहीं कोई। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। कृष्ण एक दर्द है। कृष्ण क्या है? भक्त रोता क्यों है? भगवान के लिए, क्योंकि वो ईश्वर से मिलने का जो दर्द है, जब वो दर्द उठता है ना, तभी मजा आता है। क्यों मेरी माँ? स्त्रियों को जब बच्चा होता है तो डॉक्टर दे इंजेक्शन, काय का दर्द आने का, दर्द जाने का नहीं, काय का इंजेक्शन ठोकता है जोर से, दर्द आने का कि दर्द जाने का, जोर से। हाँ, दर्द अच्छा है, आएगा दर्द, आएगा तो घरों में खुशियां लेके आएगा। ये दर्द अच्छा है, दर्द आएगा तो किलकारी आएगी। बोलो हाँ, बिना दर्द के किलकारी? हाँ, जब बिना दर्द के तुम्हारा बच्चा नहीं आता, तो बिना उस दर्द के तुम्हें कृष्ण का दर्शन कैसे होगा? पागल हो क्या? इसलिए वो दर्द चाहिए, कृष्ण से मिलने का दर्द, पीड़ा, तड़प। गोपियां तड़पती हैं कृष्ण के लिए, कब मिलोगे गोविंद, कब आओगे? तो भक्त को क्या है, तड़प होनी चाहिए। जैसे वो तड़प आपके अंदर आएगी ना, जिस दिन वो तड़प आएगी उसी दिन भगवान मिलेंगे। अब वो तड़प तो नहीं आ रही है ना, वो दर्द आ ही नहीं रहा है तो बच्चा हो ही नहीं रहा है, और दर्द आ ही नहीं रहा है भगवान से मिलने का, तड़प है ही नहीं तो भगवान क्यों मिलेंगे? तो ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं? इसलिए नहीं दिखते क्योंकि जैसे दर्द है पर दिखता नहीं, पर होता तो है, उसी प्रकार जो भजन करने वाले हैं वो ईश्वर का अनुभव करते हैं। जिसके पांव में कांटा चुभता है वो दर्द का अनुभव करता है, जो भक्ति करता है वो भगवान का अनुभव करता है। अच्छा, आपको दर्द है तो क्या पड़ोसी को दिखा सकते हो? बस आपने यदि कृष्ण का अनुभव कर लिया तो आप दूसरे को दिखा नहीं सकते, आप आनंद ले सकते हैं। ईश्वर देखने दिखाने का विषय ही नहीं है, बात समझो। ये तो अनुभव है मेरी माँ, क्या है ये? चलो, आप में से कितने लोगों ने रबड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला खाया है? अच्छा लगता? अच्छा लगा रसगुल्ला? अच्छा लगा? बोलो हाँ। क्या आप हमें दिखा सकते हैं कितना अच्छा लगा? अरे भाई साहब, कुछ चीजों का अनुभव, हमने रसगुल्ले खाए, आनंद लिया, खाने का जो आनंद आया वो आ गया, अब वो बताया नहीं जा सकता। कुछ चीजें शब्दों से परे होती हैं, आप मानते हैं या नहीं? कुछ चीजें शब्दों की मोहताज नहीं होती। बोलो हाँ। कुछ चीजें शब्दों से समझाई नहीं जा सकती, वो भावनाओं से ही समझ में आएंगी। उसी तरह कृष्ण भी शब्दों का विषय ही नहीं है, ये तो भावनाओं का विषय है, भाव का भूखा हूं मैं। कृष्ण को शब्द से कौन जान पाया कि तुम जान लोगे? शब्द सहयोगी तो हो सकते हैं कृष्ण को जानने में, पर शब्द से जाना नहीं जा सकता। ईश्वर अतर्क है, ईश्वर अतर्क है, तर्क से नहीं जाना जा सकता, शब्दों से परे है। जो शब्दों से परे है उन्हें किस शब्द से जानोगे? बात समझ में आई? इसलिए ये अनुभव का विषय है। गुलाब जामुन खा रहे हो, आनंद आनंद लो जैसे। चलो चलो, मैं एक प्रश्न सवाल मेरा एक स्त्रियों से, मेरी जितनी माताएं हैं, मैया जा रही हो, गुस्सा हो गई क्या? ठीक है, जल्दी आना। हाँ सुनो, अच्छा ये मैया, आप सब मेरी माताएं उत्तर देंगी, बताओ, जब आपका बच्चा हुआ, पहली बार आप लोग मां बनी,
बोलो हाँ। जब आप पहली बार माँ बनी और जब डॉक्टर ने आपके बच्चे को आपके पेट से निकाला या आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई, बच्चा बाहर आया और फिर बच्चे को डॉक्टर ने कपड़े से पोंछा साफ किया और नरा वरा काट के जब आपकी छाती से पहली बार चिपकाया, जब आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा जब पहली बार लड़की माँ बनती है और जब आपकी छाती से एक बच्चा पहली बार आप बच्चे का स्पर्श करती हो, टच करती हो, छाती से लगाकर पहली बार बच्चे ने जब आपकी छाती से लगकर आपका दूध पिया, तो बताओ वो अनुभव कैसा था, अच्छा था या बुरा था? उत्तर, अच्छा या बुरा। क्या उस अच्छे अनुभव को आप हमें बता सकते हैं शब्दों में? लिखवाओ, हम लिख लें। अरे वो अनुभव केवल माँ कर सके। देखो पेट फटा है, पेट फटा पड़ा है, स्त्री का पेट फटा पड़ा होता है और बच्चे को छाती से लगाती है ना, फटे हुए पेट का सारा दर्द, सारी पीड़ा भूल कर बच्चे के आनंद में रम जाती है माँ। वो जो अनुभव है सुख का, वो सुख का अनुभव केवल माँ ही कर सकती है। उस अनुभव को बाप नहीं कर सकता, उस अनुभव को पिता नहीं समझ सकता। बोलो हाँ। इसलिए वो जो अनुभव है वो बताया नहीं जा सकता। सोचिए कि बेटे का अनुभव बताया नहीं जा सकता शब्दों से, तो फिर ईश्वर का अनुभव कैसे बताया जा सकता है शब्दों से? इसलिए ईश्वर भगवान शब्दों से परे, इसलिए कहते हैं ध्यान करो। ईश्वर ध्यान का विषय है, ईश्वर भाव का विषय है, बोलने बताने का विषय नहीं है। जो तुम भगवान के नाम पर झगड़ा करते हो, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। भगवान शोर का विषय नहीं है, भगवान तो शांति का विषय है। जब ईश्वर का चिंतन होगा, जब ईश्वर का अनुभव होगा, तो व्यक्ति चुप हो जाएगा। क्या होगा? अनुभव करेगा उस आनंद का। मां जब बच्चे को हृदय से लगाती है तो कुछ बोलती नहीं, उसके स्पर्श का आनंद लेती है, अनुभव करती रहती है, उसके स्पर्श का सुख लेती है, बस बस यही है। जब ईश्वर का अनुभव होगा जिस भक्त को, वो शांत होकर केवल उस ईश्वर का अनुभव लेगा, आनंद लेगा। वो बोलेगा कहाँ, कहाँ फुर्सत है बोलने की,